Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. How is everyone doing today? Madhuri, yes. A quick question. So, if I want, say for example, अगर आपको presentation देना हो, तो फिर आपको आपका screen share करना पड़ेगा, right? Yes. Okay. फिर मुझे आपको host बनाना पड़ेगा. Yes, sir. Okay, so there is no option for there's no other option over. The only option is to make host. Sir, हम आपको share करेंगे. आप screen share कर दो. हम send करते हैं PPT. ठीक है. तो मेरा email address मैं आपको भेजता हूँ. आपके पास है सब PPTs? या individual groups के पास ही है? सब PPTs नहीं है मेरे पास. सिर्फ मेरे सिर्फ आपके. अच्छा अच्छा ठीक है. चलो लेट मी चेक विद द गाइस फर्स्ट. हैज एवरीवन मेड देयर प्रेजेंटेशन ऑल द ग्रुप्स? यस. ग्रुप वन. ओके, हु इज ग्रुप वन? टू सेट. सॉरी, टू मेंबर. नहीं नहीं आवाज नहीं आई आपकी. सिर्फ मैं रोल नंबर वन एंड फाइव ने किया है ग्रुप वन में से. ग्रुप वन में से रोल नंबर वन एंड फाइव ना? हाँ, हम दोनों ने मिलके किया है. ठीक है, तो ग्रुप वन में नाम क्या है आपका? रोल नंबर वन स्नेहल अंबुरे. नहीं नहीं, ग्रुप का नाम. ओके, ग्रुप का नाम क्या रहा? ग्रुप का नाम रखा है आपने? नहीं सर, ऐसा टीम नेम रखा है कुछ? नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नो प्रॉब्लम. So group one is Snehal, right? S-N-E-H-A-L. Ambure and Harshada. Yes, Golden. Okay. Group Harshada. Okay. Golden. Group two. Okay. Harsha. Group two. Who's there in group two? Madhuri, मेरे पास वो list नहीं है अभी सामने. देखिए ना नाम किसका है group two पे. Yes, sir. स्नेहल, आप में मुझे आपका ये ईमेल करेंगे? मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस भेजता हूँ. ओके सर, एज अ पीपीटी सेंड करूँ या एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है. ओके, मैंने आपको डायरेक्ट मैसेज ओनली फॉर वन मिनट में. सॉरी, शेयर स्क्रीन इज रहेगा सर. सो शी इज सेइंग शेयरिंग स्किल विल बी मोर इजीर. या इवन आई वाज थिंकिंग मे बी वही सोच रहा था. तो कैसे हम लोग को कंफर्टेबल होगा ना? हमको कौन सा स्लाइड कब चेंज करना है वो हमको exactly. मैं भी वही सोच रहा था. तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे करूँ, मतलब होस्ट बनाऊँ आपको? यस सर, वन मिनट के लिए होस्ट कीजिए. हाँ सर, उसे रोल नंबर वन है ना स्नेहल, उसको होस्ट बनाइए, हम हमारा कर लें फिर. हाँ, तो फिर आपको मुझे वापस होस्ट बनाना पड़ेगा ना, ऐसा मतलब चालू रहेगा पूरा सेशन में? ठीक है. मैं सोच रहा था कि कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, या दूसरा ऑप्शन है ही नहीं? डायरेक्टली जिसका होएगा वो सेकंड ग्रुप वाले को होस्ट बनाएगा, तो फिर वो उनका शेयर कर सकेंगे. ठीक है समझ गया मैं. ओके सो ईमेल मत कीजिए फिर. मैं आपको अभी स्नेहल एस एन ई एच, अभी ग्रुप वन से स्नेहल ना एस एन ई एच एल. ओके स्नेहल,
हाँ स्नेहल आपको होस्ट बनाया मैंने। सर पहले कितने प्रेजेंटेशन बने वो देखना है या स्टार्ट करना है? नहीं नहीं आप स्टार्ट कर दीजिए फिर हम देख लेंगे आस्ते आस्ते। एक प्रेजेंटेशन देख लूंगा तो मुझे थोड़ा खुशी होगी, मैं तो अभी 15 चेक करने बैठूंगा तो आधा घंटा यहाँ पे ही चला जाएगा। तो एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग देन वील आई विल सी हाउ इट गोस फ्रॉम देयर। आर यू रेडी? यस। आपको टाइम चाहिए? हाँ सर। अच्छा ठीक है, कितना टाइम चाहिए आपको? हम लोग ने दो किए थे, मतलब उसने भी एक किया था और मैंने भी एक किया था। हाँ। पर दोनों मतलब ऐसे मिलके प्रेजेंट करेंगे, पहले कितने हैं वो देख लेंगे, फिर अगर टाइम बचेगा तो दोनों कर देंगे। अच्छा ठीक है, as you said. Okay, so group one में से it is Snehal and Harshada. Group two, who are the guys from group two? वैष्णवी होनमाने। वैष्णवी, okay. मुझे एक जन का नाम दीजिए ग्रुप टू से जो हेड करेगा पूरा प्रेजेंटेशन। वैष्णवी आपका नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ओके कहां गायब हो गए वैष्णवी? ग्रुप टू में वैष्णवी का नाम लिख रहा है मैंने, ठीक है? मतलब वैष्णवी का ग्रुप। ओके ग्रुप थ्री में से कौन है? चैतराली कुलकर्णी। सॉरी थोड़ा जोर से बोलिए। चैतराली कुलकर्णी। कुलकर्णी चैतराली। ओके ग्रुप फोर सॉरी नहीं समझ में आया। अंकिता। अंकिता ओके। ग्रुप फाइव माधुरी। ओके ग्रुप सिक्स से कोई है? ओके ग्रुप सेवन माधुरी ग्रुप सिक्स और ग्रुप सेवन से कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे, ये नोट कर लीजिएगा आप प्लीज। क्या आपका आवाज कट गया? मुझे सुनाई नहीं दे क्या बोला आपने? सो ग्रुप सिक्स एंड ग्रुप सेवन एनीवन एनी रिप्रेजेंटेशन? नो। ओके ग्रुप एट Who's from group 8? Hello sir. Hello. Hi sir. मैं आदित्य और अक्षय गाड़गे तीनों करने वाले हैं सर। ग्रुप 8 में हो आप? हाँ यस सर। ग्रुप 8 आपका नाम बोलिए। युवराज देशमुख सर। युवराज मतलब वो क्रिकेटर युवराज ना? नहीं सर नहीं। अच्छा युवराज एंड ग्रुप ठीक है। आपका टीम का कोई नाम है? नहीं सर। ओके नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं ऐसे पूछ रहा मैं, इट वाज नॉट कंपलसरी एनीवेज। ठीक है ग्रुप नंबर 9 हु इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 9? थैंक यू युवराज। ग्रुप 9 ओके ग्रुप 9 नो रिस्पांस। ग्रुप 10 एनीबॉडी फ्रॉम ग्रुप 10? ओके ग्रुप 11 ग्रुप 12 नोबडी फ्रॉम ग्रुप 12? ओके ग्रुप 13 ग्रुप 14 रुस्केश रो सर। सॉरी नाम बोलिए वापस। ऋषिकेश। एक सेकंड मैं आपका स्पेलिंग ढूंढता हूं। स्पेलिंग क्या है आपका नाम का?
RUSHIKESH. ऋषिकेश. यस सर. ओके ऋषिकेश, आप ग्रुप नंबर 14 से हो राइट? यस सर. कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? मतलब पूरे 5 है टोटल? 6. अच्छा 6 है, ठीक है. ऋषिकेश एंड 6. ओके एंड ये आपका ग्रुप 14 था ऋषिकेश. ग्रुप नंबर 15, एनीवन फ्रॉम ग्रुप नंबर 15? ओके ग्रुप नंबर 13 ने मुझे मैसेज भेजा है, उसका नाम है यश. यश इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 13, ठीक है यश, आई हैव नोटेड योर नेम डाउन. यश आपके ग्रुप में कितने हैं, मतलब सब प्रेजेंट करेंगे? 5 टोटल, 6 कितने? प्लीज रिप्लाई कीजिए मुझे. 5 यश एंड 5 राइट या 4? 5 सर. आपको इंक्लूड करके 5 या आपको एक्सक्लूड करके 5? मुझे इंक्लूड करके 5 ना, तो ठीक है. ओके सो वी हैव टोटल, आई हैव टोटल कॉन्फर्मेशन फ्रॉम 1 2, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 8 13 14, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप इन टोटल हैव कंफर्मड कि उनका मतलब जो भी है प्रेजेंटेशन रेडी है. माधुरी एक बार ये सेशन हो गया तो प्लीज सर से एक बार बात कीजिएगा, जो ग्रुप्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किए तो बता देना उनको कि ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे लेक्चर में, मतलब सेशन में, ठीक है? सर ग्रुप नंबर 2. हाँ ग्रुप नंबर 6? नो सर ग्रुप नंबर 2. क्या हुआ ग्रुप नंबर 2? सर हम प्रेजेंट नहीं थे, ज्वाइन हो गए लेक्चर में ना. वैष्णवी ना ग्रुप नंबर 2? हाँ, वैष्णवी का नाम लिखा है मैंने ग्रुप नंबर 2 में. ठीक है तो लेट्स स्टार्ट फिर. ग्रुप नंबर 1 आप रेडी हैं अभी आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए? यस. तो मैंने शायद आपको ऑलरेडी होस्ट बना दिया है. यस. तो व्हेनेवर यू रेडी यू कैन स्टार्ट. Yeah, whenever you're ready, you start. Thank you. स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है स्क्रीन. वन मिनट सर. No problem, take your time. Okay, so shall we start, sir? Yes, please.
हेलो यस हेलो यस हाय प्लीज स्टार्ट व्हेनेवर यू आर रेडी यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली सर आई एम सेइंग यू स्टार्ट आई एम व्हेनेवर यू आर रेडी प्लीज स्टार्ट Shall we start, sir? Yes, please. Yes, please start. Okay, start. Okay, sir. Thank you. Thank you. So it's today's topic of our presentation is unemployment. Myself, Harshada Sunil Ghorve. And this project is presented to you all guys by me, Harshada Ghorve, and Snehal Ambure. So firstly, everyone knows what unemployment basically means. Like basically, generally we can understand it simply as a joblessness, state of joblessness. Hello? Am I audible? Yes. Yes, audible. Yes, yes, you're very audible. प्लीज रुकिए मत अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा पर आप बीच में रुकिए मत आप कंटिन्यू कीजिए आपका प्रेजेंटेशन आपका फ्लो नहीं रुकना चाहिए ओके ओके सर थैंक यू सो इन फर्स्ट स्लाइड एवरीवन कैन सी देयर इज अ पिक्चर आई हैव प्लेस देयर अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर लॉट ऑफ other texts and some words are written there. Can you see guys? Hello? Slide. I think aapka slide nahi dikh raha abhi kisi ko. Haan bhai. Okay. अभी आप स्नेहल हाँ. स्नेहल आप बात कर रहे हैं ना अभी या हर्षदा बात कर रही है हर्षदा ठीक है एक प्रेजेंटेशन करते वक्त ना हम क्या होता है अगर बड़ा ग्रुप हो फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया राइट 30 पीपल 35 पीपल तो अगर आप ऑडियंस के रिस्पांस के लिए रुकेंगे ना तो फिर आपका जो फ्लो है वो थम जाता है Okay. तो अगर ऑडियंस से रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब अगर फेस टू फेस है तो आप ये कर सकते हो क्योंकि कोई ना कोई मुंडी हिलाएगा हाँ ना कुछ करेगा एक्शन अभी ऑनलाइन में क्या होता है कि आप रुक जाते हो फिर समझ में नहीं आता क्या करना है आगे राइट क्योंकि अभी आपने सवाल पूछा और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आई थिंक सवाल मत पूछो ऐसे जिसमें आपको रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट हो सवाल पूछ सकते हैं आप बट वो इट कैन बी रिटोरिकल मतलब ऐसे पूछ लिया एंड देन यू मूव ऑन ठीक है तो आई थिंक इफ यू डू दैट इट विल बी मच इजियर फॉर यू ओके सर थैंक यू तो ऐसा ऐसा सोचिए कि एक बहुत बड़ा ग्रुप बैठा है आपके सामने आप किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो सिवाय क्यू एन ए के टाइम पे ठीक है क्वेश्चन आंसर के टाइम पे तो और ऐसे आप आपका प्रेजेंटेशन दे दीजिए ओके सर ऑलराइट ओके प्लीज स्टार्ट सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फैक्टर दैट वी कैन सिंपली एक्सप्लेन इट एज अ जॉबलेसनेस एज आई सेड बिफोर बेसिकली एवरीवन नोज दैट बट एज वी थिंक और वी ट्राई टू लर्न इट डीपली व्हाट इट एग्जैक्टली then we will understand what are the impacts of this unemployment and how it affects on our individual life, society, and even on overall economical things or economy. So moving to the next slide, introduction slide. Just tell me, whenever we get sick or we feel some illness, we'll go to doctor and we tell him about our signs and symptoms of that sickness. No, but does he give all the treatment according to or on that basis only? So my question is, अपन जब मुझे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं हमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो सिर्फ उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट दे देते हैं क्या? Answer is no. Doctors क्या करते हैं? Doctor runs some tests to check our overall health and he
he will examine through that test and our history we have told to him. Slide. Is it right or not? Just give me answer in yes or no. Yes. So जैसे डॉक्टर सम टेस्ट करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या आगे करना है इसको एग्जामिन करने के लिए. जस्ट लाइक दैट इकोनॉमिस्ट एग्जामिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. हमारी इकोनॉमी उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, ये सब देखने के लिए इकोनॉमिक्स को कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है. लाइक टू असेस द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी नो. And what we are talking today about is unemployment. And unemployment is a important economic indicator. So on the first slide, introduction, see, unemployment is an important macroeconomic indicator for several reasons. The amount of unemployment speaks to how well our economy is operating. As I said, what is written here? It is unemployment is a macroeconomical indicator. मतलब इसका बहुत बड़ा impact और बहुत बड़ा effect रहता है हमारे economy पे. और हम ये कह सकते हैं कि ये एक representative है, indicator है कि हमारी economy कैसे operate हो रही है. Moving to the second point, an economy ना को से change ना को करो. First is the introduction वाली. हाँ. Second point, unemployment also represents personal cost. No matter how well things are going for the average citizen, those without jobs and those without incomes will be in a worse situation. तो इस point में हम ये explain करना चाहते कि हम कहते हैं इधर urbanization हो रहा है, industrialization हो रहा है, improvement हो रहा है, पर at the same time we can't overlook by this factor unemployment ये जो हो रहा है इसको भी हम neglect नहीं कर सकते. मतलब जैसे some common people or common families who are living well, whose everything is going well, or average citizens we can say. But at the same time, there are some families or some peoples who are just roaming or seeking for jobs. There are many families who are they are surviving without incomes. So ek side mein urbanization, industrialization ऐसा improvement हो रहा है, पर at the same time दूसरे side में ये मतलब ये सब हो रहा है, तो ये हम एक worse situation को face करना पड़ सकता है. ये impact होता है पूरे economy पे. In today's presentation, we will learn more deeply about what unemployment exactly means, how it affects on individual and society, and what are the solutions for reducing the rate of unemployment. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कितना, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट ये आपको उसकी मतलब जो इंटेंसिटी है वो समझ में आए कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अफेक्ट कर सकता है हमारे इकोनॉमी को और बाकी चीजों को. तो इसलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट को डीप में स्टडी करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए उसके टाइप्स क्या है और उससे हम सीख सके कि उससे क्या कॉजेस कॉन्सिक्वेंस है और उस पर हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं. Or we can say ki what things we should avoid to, or what solutions or consequences we can find through it, no? Then contents. Snehal? Snehal Amure will explain the next slide to you all guys. Thank you. स्नेहल आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो
हेलो यस नाउ सर हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है We define unemployment. Unemployment refers to a situation in which the workers who are capable of working and willing to work do not get an work to get employment. इसे हम हिंदी में अनपढ़ कहते हैं और simply English में we say people who are involuntarily out of work. Now we see second slide types of unemployment. Here we see four types of unemployment. First is Fictional and unemployment. Second is structured unemployment. Third is cyclic unemployment. And fourth is seasonal unemployment. Now, Harshada. Yes, I'll start. So as Snehal said, there are many types of unemployment, but we will look for this main four types of unemployment more deeply. First type of unemployment is frictional unemployment. To understand it simply, this state is, it's between jobs. When we say frictional unemployment occurs when the person or the worker is in between jobs. Like frictional unemployment occurs when a worker moves from one job to another, or it is a result of imperfect information in the labor market. Because if job seekers knew that they would be employed for a particular job vacancy, almost no time would be lost in getting a new job and eliminating this form of unemployment. Matlab jab log old job and new job iske beech mein phans jate hai ya kuch misunderstanding ki wajah se वो कंफ्यूजिंग स्टेट में ये सब होता है तब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं हम. सेकेंड टाइप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज नॉट इनफ टू मीट हिज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कॉन्वर्सली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन द सैलरी ऑफर्ड टू अ पर्सन फॉल्स शॉर्ट ऑफ द मिनिमम वेज that can be paid for the concerned job. So you can see here, yahan pe ek picture, ek image diya hua hai, jahan pe first wo setting ka symbol hai, jo wo setting ka jo symbol hai, wo kya represent karta hai ki company aur uske kya requirements hai, wahan ki kya management hai, kya setting hai. And on the other side of that not equal to sign, there is one bag is given. It represents that employee or that person who is seeking for job or who is in search of job, that employee. So in dono symbols ke beech mein unhone not equal to ka sign place kiya hua hai. Iska kya matlab hai? Structural unemployment ko hum aise samajh sakte hai ki jab wo employee company ki jo requirement hai wo fulfill nahi kar sakta na, to uski wajah se jo unemployment hoti hai use structural unemployment keh sakte hai. Aur ek type mein wo hoti hai ki jab लोग जॉब के लिए जाते हैं, पर्टिकुलर जॉब के लिए उन्हें वो जो मिनिमम वेज होता है वो बहुत कम लगता है. कंसर्ट पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उसका ज्यादा होता है पर उनको वो मिलता नहीं है. इस केस में भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर हो सकता है. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज नीड ऑफ low workforce. ये first case. और second तभी भी हो सकता है जब when the economy passes through depression, demand for labor decreases and the extra workers are released as the unemployed labor force. So इसे हम क्या कह सकते हैं कि मैंने वहां पे आइडिया के लिए दी ड्यू टू राइज एंड फॉल इन इकोनॉमी. नीचे कुछ इमेजेस सिम्बॉल्स दिए हुए वहां पे एक डॉलर का साइन है, मतलब इकोनॉमी का साइन है. जब वो नीचे आता है तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाती है. मतलब जब कंपनी के और जो कुछ भी है उसके इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाते हैं तब वहां के एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्रीज हो जाता है. और जब इकोनॉमी राइज होती है तब एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है. जैसे कि जब व्हेन द
demand for labor increase with the economy in growth phase. And as here I written, when the economy passes through depression, demand for labor decreases and the extra worker released as an unemployed force. और फर्स्ट केस में दिया है वो ये है कि जब वहां पे ज्यादा वर्क फोर्स की जरूरत नहीं होती है तब भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर होता है. फोर्थ टाइप इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन एन ऑक्यूपेशन इज नॉट इन डिमांड एट सर्टन सीजन. मतलब बहुत सारे जॉब्स ऐसे भी होते हैं जो सर्टन टाइम पीरियड में ही वहां पे वर्क फोर्स की जरूरत लगती है और बाकी ऑल ईयर में वहां पे कुछ मतलब काम नहीं रहता, वर्कफोर्स नहीं लगता, तो इसलिए उस टाइम पे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रह सकती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसे हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर टाइम में ही जो जॉब की नीड होती है वो सब उसी वक्त के लिए होते हैं, बाकी नहीं. स्नेहल विल रिप्रेजेंट यू नेक्स्ट. Hello. Then we see causes of unemployment. Unemployment plus causes high population growth. इसका मतलब है जब जब जनसंख्या बढ़ जाती है तब ये unemployment शुरू हो जाता है. Second is absence of unemployment opportunity. Third is seasonal employment. Fourth is joint family. Fifth is increasing turnover of students from Indian universities, then slow developing of industry and insufficient rate of economy. इस लेख में हम बेरोजगारी के कारण पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसकी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे. तो अच्छी तरह से हम समझने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ेंगे और साथ ही बेरोजगारी के संबंध में अन्य लेखों को हम देखेंगे. बेरोजगारी जब व्यक्ति धन उपार्जन करना चाहता है तो उसके लिए काम की तलाश भी करता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो इसे व्यक्तियों को बेरोजगार कहा जाता है और इस स्थिति का बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. Okay, so next we will see for effects of unemployment, how or on which factors unemployment affects on. ये हम दो parts में देखेंगे, मतलब individual पे कैसा affect करती है और society पे कैसा affect करती है. Effects of unemployment or we can say it costs of unemployment. First, on individual, unemployed individuals are unable to earn money to meet financial needs. Failure to pay installments or to pay rent may lead to homelessness through evictions. Unemployment increase chances of malnutrition, illness, mental stress, loss of self-esteem and leading depression. मतलब जो unemployed individuals होते हैं, जब persons होते हैं, वो उनकी family की need fulfill करने के लिए वो capable नहीं रहते और जो भी इसकी वजह से वो उनके घर के rent नहीं पे कर सकते तो होमलेसनेस इसकी वजह से हो जाती है. इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में क्या किस किस क्या क्या चीजें हो सकती है इससे. होमलेसनेस हो सकता है, मल न्यूट्रिशन, इलनेस, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस. और कोई बता सकता है और कौन सी चीजें जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या 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 अफेक्ट हो सकते हैं पर्सनल लाइफ पे और इंडिविजुअल पे. कोई और एग्जांपल ऐड कर सकता है तो एक दो क्या कह सकते हैं जब हम इस पे थिंक करते हैं डीपली. मेंटल स्ट्रेस. यस, मेंटल स्ट्रेस. फैमिली में प्रेशर आती है. yes. बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते, काम करने लगते हैं एट अ यंग एज, ये सब होता है. राइट, एग्जैक्टली. ये जो कहते हैं कि बाल रोजगार मतलब बच्चे लोगों को काम नहीं करना, इस पे जो नए नए रूल्स आ जाते हैं कि बच्चे लोग को काम पे नहीं रखना चाहिए, तो मुझे भी यही लगता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इसका इसके साथ कनेक्शन है. क्योंकि जब घर में कोई नहीं मतलब घर में कोई
इनकम नहीं हो जाती तो बच्चे लोग को काम पे जाना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से लोग सुसाइड करते हैं. सो इट कैन अफेक्ट सो बैडली और वर्सली ऑन इंडिविजुअल लाइफ. नेक्स्ट ऑन सोसाइटी, एन इकोनॉमी विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट यूजिंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेस दैट इज लेबर अवेलेबल टू इट सिंस इट इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. It could have higher output of more people are usefully employed. However, there is a difference between economic efficiency and unemployment. If the frictional unemployed accepted the first job they were offered, slide is not visible. Just a minute, huh? They were offered. They would be likely to be operating at below their skill level, reducing the economic efficiency. मतलब इस पॉइंट में ये दिया हुआ है कि is not using an economy with high unemployment is not using all the resources labor available to it. हमने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो हमारी इकोनॉमी इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है, और जो आउटपुट है या जो हम रिसोर्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं, मतलब हमारे पास होता है पर हम उसका यूज नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते. नाउ मेजरमेंट, वी कैन मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. स्नेहल विल, मतलब इकोनॉमिस्ट टिपिकली क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का फोकस ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको स्नेहल बताएगी. यस, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मंथ इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. द मंथली एस्टिमेशन फॉर इंडिया आर कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन इंडिया टू बी टोटल एस्टिमेटेड लेबर फोर्स फॉर ए मंथ. एंड व्हेन वी सी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट फार्मूला गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स by dividing the number of unemployment persons by the number of persons in the labor force and multiplying the figure by 100. Then we measurement the unemployment. There is one graph is given below. That's the graph of unemployment since 1960. No solutions. Solutions मैं करूँ या तू कर रही है? ठीक है. Okay. So here are some solutions are given. We will discuss on it. A change in the pattern of investment. Second, encouragement to small enterprises as against big enterprises. Problem of choice of technique. Encouragement of new growth centers in small town and rural areas, subsidies on the basis of employment, and or a point here is my reorientation of educational policies. These are some solutions given here. मतलब हम investment के pattern में कुछ changes कर सकते हैं, या small enterprises जो होते हैं उन्हें encourage कर सकते हैं against big enterprises. उससे क्या होगा, तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट, वहां पे वर्कफोर्स ज्यादा लगेगा तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रॉपर चॉइस ऑफ टेक्निक चूज करके भी हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं. स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज में हम न्यू सेंटर्स ग्रोथ करने की कोशिश करके वहां पे भी हम लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को काम दे सकते हैं. स्लाइड. यस, बेरोजगारी को श्रम की गतिशीलता को संतुलित करने के लिए कुछ हद तक हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं. इसलिए
हमारे भारत सरकार ने द्वारा पिछले लगभग 3-4 सालों से कई योजनाएं की शुरुआत की है, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, सेकंड इज मुद्रा ऋण योजना एंड थर्ड इज सुरक्षा बीमा योजना। Yes. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे, चला गया स्क्रीन स्लाइड। विजिबल है? यस। Q&A स्लाइड। एनीवन हैव एनी क्वेरीज देन फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। Anyone have any questions for Snehal and Harshada? I don't think anyone has any questions. But I have a question for both of you. Yes, sir. Yes. How do you think your presentation was? I think you can tell it more clearly. No, I will tell, but I'm asking you. If I ask you to self-assess, give yourself a rating, say 1 to 10, 10 being the best and 1 being the lowest, what rating would you give yourself? Sahil? You have to 10% dena chahiye. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुझे भी 10%। मतलब सर हमने डिसाइड बहुत अच्छा अच्छा किया था, पर at the time of presentation कुछ इधर उधर हो गया। हाँ no problem, तो rating बताइए ना, आप अपने आप कितना देंगे? What's your score according to you? 8 or 9 to both maybe. 8 or 9, तो 8.5 कर देता हूँ। Okay. So the presentation was very nice. It was very beautifully presented, despite the technicalities and all. Kafi smoothly gaya pura presentation. So that is nothing you guys need to be worried about. Har presentation ke baad aise hi lagta hai ki haan galtiyan hui hain, haan main better kar sakta tha. But considering everything, it was very nice. Some things what I really liked, first I'll tell you what I really liked about the entire presentation, was very in depth. हर एक चीज पे आपने अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब काफी सारा होलिस्टिक एक इंफॉर्मेशन पास किया आपने, एंड आपने हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और स्टार्टिंग आपका ओपनिंग बहुत अच्छा था, जहां आप सवाल पूछ रहे थे ऑडियंस के साथ, एक यू नो इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया आपने, and so on and so forth. So those moments were all very nice, and the whole presentation ऐसा बोरिंग नहीं था, मतलब सुनने का मन कर रहा था आप लोग दोनों क्या बोल रहे थे, तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड इफ देयर वाज समथिंग्स दैट आई थिंक यू शुड चेंज एंड डू यू कुड डू बेटर नेक्स्ट टाइम इज प्रोबेबली आपके प्रेजेंटेशन में सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बहुत थे। प्रेजेंटेशन में नहीं लिखना चाहिए वो सब, वो आपका जो ट्रेनर नोट्स होता है एक वर्ड डॉक सॉरी प्रेजेंटेशन में पीपीटी में नीचे ट्रेनर नोट्स होता है, तो आप स्लाइड पे सिर्फ एक पॉइंट लिखना चाहिए आपको, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको रेफर करना है तो वो आप वो नीचे से पढ़ के बोल सकते हैं, या अलग कहा नोटपैड में पढ़ के बोल सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और ज्यादा अगर पढ़ने मतलब इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आता ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उतना वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो वो एक चीज है। और दूसरी चीज है कि ये जो टाइम फैक्टर है, मतलब आपने अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लिए एक प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये बहुत मैंने शायद बोला था कि नहीं मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने बोला था कि एक अगर 5 जन का ग्रुप है तो एक जन 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए बोलेगा, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में हम एक प्रेजेंटेशन खत्म कर सकते हैं, तो yes. हमने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया प्रेजेंटेशन पे। हेलो सर, हम पूरा तरह से प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि लगातार लिखते थे, वजह से हम पूरी तैयारी नहीं कर पाए। हम दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, हमने अलग अलग बनाया पर वो टाइम नहीं मिला कोऑर्डिनेशन के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन है ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जानबूझ के ऐसा किया है, अगर आपको ऑलरेडी ये पॉइंट अवेयर है तो वेरी नाइस, क्योंकि आगे जाके जब आपको प्रोफेशनली कहाँ पे भी एक प्रेजेंटेशन देना होगा
तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 15 मिनट मतलब 15 मिनट, इट कैन बी 16 मिनट 17 मिनट्स ऐसा. तो वट एवर इज द टाइम यू नीड टू स्टिक टू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. बट ओवरऑल द प्रेजेंटेशन वॉज वेरी नाइस, वेरी वेल डन. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रेजेंटेशन. Please save it and keep it because I will ask your class representative to send all the presentations to me at the end of this session. So thank you very much, Snehal and Harshada. I clap for you guys. Good job. Very well done. And I think all the whole class should actually clap for you all. Guys, please clap for them. Good job. Very nice presentation. Thank you. Thank you, everybody, for your kind attention. Okay. Thank you so much. Okay. So that was group one. With the unemployment presentation, we have about 10 minutes. Is group two Vaishnavi? Are you there? Vaishnavi from group two. Vaishnavi. Okay. Vaishnavi is not there. हाँ, आप आपका प्रेजेंटेशन 10 मिनट्स में हो जाएगा. सर वो दके लेटर साले. हाँ, मुझे समझा नहीं क्या बोला आपने. कल बोलते हैं सर. सॉरी, कल करेंगे. अच्छा, वैष्णवी भी बोल रही कल करेगी. ठीक है. व्हाट अबाउट ग्रुप थ्री? Yes sir. You are ready? Yes sir. आपका 10 मिनट्स में हो जाएगा प्रेजेंटेशन? Yes sir, मैं कोशिश करूंगी. ठीक है. स्नेहल प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए, आपको होस्ट बनाइए. आपको किसको होस्ट बनाना है? चित्राली आपको ही होस्ट बनाए हम लोग. हाँ यस सर, मुझे ही होस्ट बनाना है. अच्छा, तो स्नेहल आपको होस्ट बनाएगी अभी. No. थैंक यू स्नेहल. ठीक, यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर यू आर रेडी. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा हमको फिलहाल. सर दिख रहे हैं? यस, पर मुझे यह स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. कौन सा स्क्रीन आपको? ना वो जो स्लाइड शो है, राइट राइट साइड में देखो आइकन है स्लाइड शो का, वो ड्रॉप डाउन है उधर. अब उसको सर प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा. क्या बोल रहे हो? प्रेजेंटेशन ही दिखेगा, नीचे आइकॉन होता है. क्यों नहीं दिखेगा? मैं समझा नहीं. नहीं सर, एक टाइम में कहीं स्क्रीन दिखेगा ना, प्रेजेंटेशन ही दिखेगा सिर्फ. जूम हाँ, वो तो है आइकॉन नहीं. हाँ वो तो है. तो आपके नोट्स भी है क्या? हेलो सर. हाँ बोलिए. स्टार्ट करूं? यस यस प्लीज स्टार्ट. माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस यस. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन. सर थोड़ा टाइम कम है पर मैं मेरा 99% देने की कोशिश करूंगी. नो प्रॉब्लम, थैंक यू. हाँ, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चैत्राली कुलकर्णी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ग्रुप नंबर 3. एंड इन माय ग्रुप देर आर टोटली फाइव मेंबर्स इंक्लूडिंग मी. मयूरी माळी, भाग्यश्री गोंधारे, साक्षी कोरके, रोहिणी कदम एंड मी चैत्राली कुलकर्णी. सर लेट स्टार्ट द presentation.
you can see on my screen. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are. Thank you, sir. Then I have divided my presentation into the main three parts, that is introduction, body, and conclusion. That is first introduction. Today we are the suffering from the pandemic due to the coronavirus, which is known as the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic is the first and the foremost health crisis. What is coronavirus? Coronavirus is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus that causes illness ranging from common cold to more severe disease. Many time it caused death. Sardi, bukhar, aise symptoms dikhai deti hai. Par kuch logon mein aise symptoms dikhai dete hai ki jaise ki kisi ki kidney medicines ki wajah se kisi ki kidney fail ho jati hai. Aur bahut kuch hota hai. Aur isme kai baar kai log apni jaan ko bhi kho deti hai. So government and doctors recommended people to wear the mask, which is nowadays used as a weapon against the COVID-19. Today, this is the structure of the COVID-19 virus. And protein, but 90% of which is not suitable to fight with COVID-19 mask. So today's my topic is ESP mask. That ESP represents the super protective mask, which is the product of our group, which means we are participant of the group, that is Fayu Mayuri, and all we are the founder of this ESP mask, and you are the investor. So by undertaking this point, our company start to produce the mask whose name is ESP mask, means super protective mask. So my next question to all, why we need to wear mask? Hello? Yes, yes. I can hear you. उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बाकी के सब लोग भी बता सकते हैं। आपका सवाल शायद सबने सुना नहीं। वापस रिपीट कीजिए ना सवाल आपका। Why we need to wear a mask? We need to wear a mask because, as we all know, it is a contagious disease. So, yes, it is contagious. It is not airborne. It travels through, saliva, spit, or cough. Through the. Yeah, so that's why the mask protects you from inhaling it. That's why we have to wear a mask. Thank you, sir. Okay. Why we need to wear a mask? So kai baar kaise hota hai ki hame bukhar hoti hai, khaansi hoti hai, hum nazdeek ke medical store mein jaate hain aur hum medicines aakar khate hain, par kai baar kya hota hai ki hame pata hi nahi hota ki hum COVID-19 se attack hue hain. So the most thing is that to protect ourselves and others from COVID-19, we need to wear a mask, and most important thing is, it is our
दैट कि हम एक भारतीय है और हम इस देश में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश का प्रोटेक्ट करें. सो इट इज नीड टू वेयर अ मास्क. सो आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको किस प्रकार के मास्क दिखाई देते हैं, मतलब इसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बता सकते हैं कि मतलब कंफर्टेबल है कि नहीं है, आप कैसे चूज करते हैं? कंफर्टेबल होना चाहिए, ब्रीदेबल होना चाहिए, उसमें ज्यादा सफोकेशन ना हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यस 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 एब्सोल्यूट. We will see for nose clip also, so that ये वो अच्छे से बैठे. So हमें क्या है कि कई बार कई लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाई है एसपी मास्क, इसमें क्या होता है कि उसमें टू हेड बैंड से नोज फोम है और नोज क्लिप है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग के लिए कोई तकलीफ नहीं होती. और इसका उसका जो मटेरियल है जो स्क्रीन पर दिखाई दिया है कि जो इस ये सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, सो इसकी वजह से हमारे स्किन को तकलीफ नहीं होती. एंड इसको इसमें टू हेड बैंड्स होते हैं, नोज फोम होती है, नोज क्लिप होती है. सो एक कंफर्टेबल है कि जो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम हैंड को सैनिटाइज करें और जल्दी हम क्या होते हैं कि वो बहुत वेट में ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कम वेयर करने में कोई तकलीफ होती है. सो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है एसपी मास्क, इट इज इन लाइट इन वेट, यानी जो इस हमारा एसपी मास्क है वो सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए हमारे स्किन को रैशेस वगैरह कोई इसकी कोई तकलीफ नहीं होती. नेक्स्ट क्या है कि इट इज एयर परमिएबल, कि कुछ लोगों में क्या होता है कि जिसको अस्थमा है, जिनको कफ वगैरह हुआ है, जिनको करने के लिए तकलीफ हो रही है, वाटर प्रूफ, यानी कि हम जब होल मास्क पानी में डीप करेंगे ऐसा नहीं है, वो गीला ही हो जाएगा. पर उसका वाटर प्रूफ का मतलब क्या है, जब कोई कोई पानी की कोई बूंदे, दो चार बूंदे उस पर गिरी तो वो गीला नहीं होगा, इस तरह है वाटर प्रूफ है. डिस्पोजल टू इजी टू डिस्पोजल, कई मास्क क्या होते हैं कि जब हम पहन लेते हैं और यूज एंड थ्रो के मास्क होते हैं, पहन ले के बाद हम उसे थ्रो करते हैं, तो कई मास्क क्या होता है कि डिस्पोजल के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसे कि वह 1 साल 2 साल. कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है एसपी मास्क, वो डिस्पोजल में इजी होता है कि ये तीन महीने के बाद इट इज इजी टू स्टिच, के मतलब मास्क टूट गया तो हम फेंक नहीं दे सकते. सो इट इज इजी टू स्टिच, कि हम स्टिच कर सकते हैं. It is made up of 3 layers. It is main points. That is, it is made up of 3 layers. कई मास्क क्या होते हैं कि आजकल नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. सो हमने जो एसपी मास्क बनाया है वो 3 layers का बना हुआ है. सो हम जो डेल्टा वायरस है, COVID-19 के वायरस है, इससे हम फाइट कर सकते हैं. कि पहला लेयर होता है कि वो बड़े बड़े
लोगों से लड़ सक बड़े बड़े जैसे फेस पर ग्लास ग्लास और मास्क दोनों एक साथ पहन लेंगे तो क्या होता है कि हमारी नोज से जो वेपर आती है वो ग्लास पर डिपॉजिट हो जाती है, जिसके वजह से हम आगे का कुछ दिखाई हमें आगे का कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता. Many people facing problems nowadays that when they use mask and glasses on a face simultaneously, some vapors are deposited on a glasses due to which that person is not able to see clearly. हमने हम कह रहे थे जब वो टू व्हीलर फोर व्हीलर चस पर डिपॉजिट जो वेपर होती है इसके वजह से हम दिखाई हमें दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं. सो हमने जो एसपी मास्क बनाया है इसमें हम इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व किया है. जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब हम टिश्यू पेपर मास्क के अंदर लगाते हैं तो यह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है. Some doctor says by using tissue paper inside the mask, we sort out this issue. In other companies, mask issue mask problem का हल क्या है कि हम अपनी मास्क के अंदर टिश्यू पेपर लगवा दे, पर हमने मास्क बनाते समय ही इसके अंदर टिश्यू पेपर डाला है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. हम सामने वाला क्लियरली देख सकते हैं जब हम ग्लास पहनते हैं. इस इमेज में आप देख सकती हैं इस आदमी ने गलत तरीके से मास्क पहना है, पर इसने ग्लास भी पहना है और इसके ग्लास पर फोम वेपर डिपॉजिट हुआ है, इसकी वजह से सामने वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा. हमारे जो मास्क है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज मास्क इज नियरली अबाउट 60 रुपीज. अवर एसपी मास्क आर अवेलेबल इन रीजनेबल रेट, सो एवरीवन हु इज नॉट एबल टू बाय अ मास्क ड्यू टू द हाई प्राइजेस ऑफ मास्क कैन बाय अवर एसपी मास्क हुज प्राइस इज नियर अबाउट 30 रुपीज पर मास्क. हमारे भारत देश में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग मीडियम क्लास में है, सो वो मास्क नहीं खरीद सकते कि जो कि इसके प्राइस ज्यादा होती है. सो हमारी जो मास्क हमने जो मास्क बनाई है एसपी मास्क सुपर प्रोटेक्टिव मास्क उसकी प्राइस क्या है 30 रुपीज पर मास्क, जो यहाँ की रीजनेबल रेट आते हैं, पर हमने जो मास्क बनाया है उसका रेट एकदम रीजनेबल है जो कि एकदम लो क्लास के लोग भी खरीद सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर्स, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है. इफ यू बाय द बंडल ऑफ मास्क चित्राली सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट इज ऑलरेडी पास्ट 4-5 ठीक है. तो आप कौन सा आपके कितने स्लाइड्स है टोटल? दो स्लाइड्स ही रिमेनिंग है सर. दो ही रिमेनिंग है हाँ. ठीक है प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. जो बड़ा पॉइंट हमने जो उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है ऑफर्स, इफ यू बाय द बंडल ऑफ मास्क देन अवर एसपी मास्क कंपनी गिव अस द डिस्काउंट, मींस इफ यू बाय टू बंडल्स देन वी गेट 5% डिस्काउंट, इफ यू गेट बाय थ्री बंडल्स देन वी गेट 10% डिस्काउंट. तो बाकी के कंपनीज हम्बल रेट में और विथ डिस्काउंट, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज बाय अवर एसपी मास्क. द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी, इट इज अवेलेबल इन एनीवेयर, मींस
जब आपने नजदीक के मेडिकल में जाते हो, शॉप्स में जाते हो तो आप हमारा एसपी मास्क कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी अवेलेबल है विथ रीजनेबल रेट विथ ऑफर्स. So I request to all that government says social distancing is very most important. So please do not wearing mask. Sorry sir, you have printing mistake. Wearing mask is not important, it is the life saving. आप आगे के बहुत साल हमें mask पहनना है, so it is the life saving. If we not wear the mask, then कई बार कई लोगों ने without mask की वजह से कहीं ने अपनी जान भी खो दी है. So मैं आपको सबको request करती हूँ कि please mask पहनिए, और हमारी एसपी कंपनी की मास्क पहनी है जो कि एकदम रिजनेबल रेट में है, कहीं भी अवेलेबल है, और उसके प्रॉपर्टीज जो हमने बताए हैं वो भी अच्छी है. सो इट इज एक्ट्स एज अ वेपन टू द कोविड-19. बाकी के जो मास्क है उस वो कहीं मास्क ऐसे है कि जो कोविड-19 के अटैक को कंफर्टेबल आपकी आवाज नहीं आ रही है. गाइस आपको आ रही है आवाज चित्राली की? No, नहीं सर. सर चली गई क्या प्रेजेंटेशन देख के? सर नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा. अच्छा तो वाज दैट द लास्ट स्लाइड और क्या और बाकी है? नहीं सर उतना ही, थैंक यू. अच्छा ठीक है, तो मैं ये डिस्कस करूंगा कल आप लोगों के साथ. ये ग्रुप 3 का जो स्लाइड है, मेरे जो पॉइंट्स है, मैं कल डिस्कस करूंगा. सर क्या हम रिपीट कर सकते हैं क्या? आज आवाज नहीं आई उसकी. हाँ जो लास्ट जो पॉइंट दो मिस हुए वो रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लास्ट नहीं है, एंड हुआ हुआ पे, लेकिन आवाज नहीं आई ना उसकी. तो क्या रिपीट करना है आपको? पूरा क्या नया प्रेजेंटेशन बना सकते? नहीं, पूरा जरूरत नहीं है. इतना कुछ अच्छा था प्रेजेंटेशन, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ वो क्यों बोल रहे थे? आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? हमारा मतलब हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेक्चर्स होते सुबह से, इसलिए हमने सिर्फ पॉइंट किया और वो बोली मैं बोलूंगी तो. अच्छा ठीक है. अभी देखिए बाकी के स्टूडेंट्स भी सुन लीजिए, जो ग्रुप्स बाकी है. प्रेजेंटेशन आप अच्छा बना रहे हो, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम में खत्म नहीं कर पा रहे हो आप लोग. मतलब अभी दो ही प्रेजेंटेशन हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अभी कल से क्या होगा, अभी समझो हमारे पास 60 मिनट्स है, और इन टोटल कितने ग्रुप्स है अभी बाकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर चैत्राली वापस से प्रेजेंटेशन देगी तो 7 ग्रुप हो जाएगा. अभी अगर एक ग्रुप 10 मिनट लेता है तो इट विल टेक अ टोटल ऑफ 70 मिनट्स. फिर कल वापस सेशन एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास. मुझे अगर आपको चैत्राली का जो ग्रुप है, अगर आपको वापस प्रेजेंटेशन देना है तो आपको 6 या 7 मिनट्स में वो प्रेजेंटेशन खत्म करना है. अगर आप वो कॉन्फिडेंस से मुझे बोल रहे हो कि हाँ मैं 7 मिनट्स 8 मिनट्स में खत्म कर पाए, हम लोग खत्म कर पाएंगे सेशन, देन आई हैव नो प्रॉब्लम लिसनिंग टू यू गाइज अगेन. But if it is going to exceed 7-8 minutes, then we cannot do it. मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हुआ था. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मेरा प्रेजेंटेशन भी खत्म हुआ है सर. और हाँ नो प्रॉब्लम. तो आपका ग्रुप बोल रहा था कि उनको प्रेजेंटेशन वापस से करना है क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ ये वो. तो मैं बोल रहा हूँ अभी हमारे पास 7, total 8 groups थे. एक स्नेहा का ग्रुप का तो हो गया, अभी आपको इंक्लूड करके और 8 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रुप्स बाकी है.
मैं सब ग्रुप्स को अभी बता रहा हूं कि टाइम लिमिट होगा कल से 8 मिनट्स, ठीक है? वन टीम कैन टेक मैक्सिमम 8 मिनट्स, 8 मिनट्स के बाद मैं बोलूंगा 8 मिनट खत्म हो गए तो सेशन ऐसे ही स्टॉप करना, प्रेजेंटेशन ऐसे ही स्टॉप करना पड़ेगा आपको, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कल जब हम आएंगे तो वी विल डिस्कस, वी कैन स्टार्ट विथ यू नो सम अदर ग्रुप एंड देन वी इफ वी हैव टाइम वील कम बैक टू ग्रुप नंबर 3 फॉर द सुपर प्रोटेक्टिव मास्क एंड देन यू कैन डू दैट सेशन अगेन। डज दैट मेक सेंस? ओके यस सर, मैं कल दोबारा कर देती हूँ। ओके, बट सबको पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ आप नहीं बात करोगे आज की तरह, सब पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरनेट इश्यू है ना, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, नो प्रॉब्लम, बट टाइम लिमिट फॉर ईच प्रेजेंटेशन इज 8 मिनट्स, टाइमर मैं रखूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है? सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। चैत्राली मुझे होस्ट बनाए ना वापस प्लीज। हाँ चैत्राली, आप मुझे होस्ट बना रहे हो वापस? सर होस्ट आप ही हो? नहीं हो। यस सर, मैं मीटिंग से लेफ्ट हुई थी इसलिए आप ही होस्ट बने। तो कोई और बना रहे हो होस्ट? होस्ट जिससे सिविलियस वाइब टेक सर। अच्छा ठीक है, तो फिर ये तो हम कल मिलेंगे फिर 3 बजे, ठीक है? कल सब रेडी आइए प्लीज, तो और टाइम पे आइए, तो एज सून एज वी कम ऑन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद मेरी प्रेजेंटेशन को कितना मार्क्स? वो कल बताऊंगा, मैं अभी सोचूंगा और फिर कल बताऊंगा। मैं दोबारा ट्राई करती हूं। हां ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर 8 मिनट्स याद रखना, इट इज ओनली 8 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। यस सर, यस सर। ठीक है, तो प्लीज आप सर को बोलिए प्लीज कॉल एंड करने को, क्योंकि मैं यहां से एंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है माधुरी? ओके सॉरी, क्या बोला आपने? सॉरी आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? सॉरी सर, ज्यादा टाइम लिया इसलिए। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग। ओके चलो, गुड बाय गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 3 o'clock। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू। थैंक यू माधुरी, गुड बाय।